जय हिंद एवरीवन, आई सी मा योर कंप्यूटर टीचर। बेटा आज हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने अपना हाफ लेसन कंप्लीट कर लिया है, अब हम अपनी आगे की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 32 के हाफ पार्ट से। फर्स्ट है हमारा क्विक लॉन्च आइकन्स। द टास्क बार कंटेंस आइकन्स कॉल्ड क्विक लॉन्च आइकन्स फॉर कॉमनली यूज प्रोग्राम्स। दीज आइकन्स कैन बी यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम विदाउट ओपनिंग द स्टार्ट मेन्यू। हम बगैर स्टार्ट मेन्यू के किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली जो ओपन कर लेते हैं वो क्या होते हैं, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ओपन प्रोग्राम आइकन्स। The taskbar also display icons of programs that are currently opened. When we place the mouse pointer over an icon, a preview of the program window is displayed. We can click an icon to quickly open the window of that program. जहाँ भी हमारे टास्क बार के अंदर जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं, हम जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, वो प्रोग्राम हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में क्या क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये राइट साइड में होता है। इट इज़ डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। यहाँ डेट और टाइम हमें करंट की जो होती है वो इधर हमें शो होगी। द वॉल्यूम बटन, जो भी हमारा वॉल्यूम का बटन होता है वो यहाँ शो होगा। वॉल्यूम हमें अप डाउन जो भी करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सम कंप्यूटर सेटिंग, और जो भी कंप्यूटर की सेटिंग होती है वो हमें यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्लॉक। द क्लॉक प्रेजेंट इन द नोटिफिकेशन एरिया। क्लॉक कहाँ प्रेजेंट होती है, नोटिफिकेशन एरिया में ही प्रेजेंट होती है। डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, जो हमें क्या दिखाती है, करंट डेट और टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो वहाँ शो होता है। शो डेस्कटॉप बटन, द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट एट द एंटर मे राइट ऑफ द टास्क बार। व्हेन यू क्लिक द बटन इट मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप। ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है जो भी हमने विंडोज को ओपन कर रखा है। स्टार्टिंग और ओपनिंग ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को ओपन और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेटा ये जो बटन होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो वाइट बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें कहाँ जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पर। यहाँ एक आपको राइट डाउन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखा है, ऑल प्रोग्राम्स। हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ से हमें जो भी प्रोग्राम ओपन करना है, लाइक गेम्स करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, वर्ड करना है, जो भी हमें वहाँ से अपना प्रोग्राम ओपन करना है, हम वहाँ जाएंगे और उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग और ओपनिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और ओपन करने का हमारा क्या है, तरीका है। नेक्स्ट है यूजिंग टास्क बार। क्लिक ऑन क्विक लॉन्च आइकन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द टास्क बार। हम क्या करेंगे, किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग प्रोग्राम शॉर्टकट्स, डबल क्लिक द आइकन्स ऑफ द प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और वो हमारा ओपन हो जाएगा। द सिलेक्टेड प्रोग्राम विल ओपन इन अ न्यू विंडो। जो भी हम प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं वो न्यू विंडो में ओपन हो जाता है। ईच विंडो हैज़ अ टाइटल बार एट इट्स टॉप विच शोज द नेम ऑफ द ओपन प्रोग्राम। जो हमें क्या करता है, शो करता है कि अभी हमारा कौन सा प्रोग्राम ओपन है। जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन कर रखा है तो कैलकुलेटर है। इसके साइड में जो ये थ्री बटन्स होते हैं, देखें, एक माइनस की तरह दिखाई दे रहा है, एक हमें छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक हमें क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये क्या है, मिनिमाइज, ये क्या है, क्लोज, और ये क्या है, मैक्सिमाइज। अब हम तीनों बटन्स के बारे में देखते हैं। टू द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, जो राइट साइड में टाइटल बार के होता है, देयर आर थ्री कंट्रोल बटन्स। इनको क्या बोला जाता है, कंट्रोल बटन्स बोला जाता है। सबसे फर्स्ट जो है वो है मिनिमाइज बॉटम बटन। When we click this button, the window shrinks into a button on the taskbar. Maximize क्या कह रहा है, and restore button क्या कह रहा है, the maximize button display the window on full screen and the button turns into restore down button. The restore down button is clicked to bring the window back to its normal size.
बेटा इसके अंदर क्या है, जब भी हम मिनिमाइज करेंगे तो वो जो भी हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और जब मैक्सिमाइज करना होगा तो वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। क्लोज बटन क्या कह रहा है, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे जो हमारा प्रोग्राम है, द प्रोग्राम गेट्स क्लोज्ड, जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा मैच थिंक एंड आंसर, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर कंप्यूटर आइकन्स, स्टार्ट बटन, रिसाइकिल बिन आइकन, सर्च बॉक्स, यहाँ पर आपको चार पॉइंट्स दे रखे हैं और चारों की पिक्चर्स यहाँ शो कर रखी हैं, तो आपको खुद से मैच करनी है कि किसका आंसर क्या होगा, और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में आप इस फोटो को शेयर करेंगे। ओके, यहाँ हम देखेंगे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, यहाँ हम फाइल्स को क्या कर रहे हैं, सर्च करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये पहचानना है किस चीज़ का भी बॉक्स है। इस आइकन को आपको देख के पहचानना है, हमने लास्ट में अभी पढ़ा है कि ये आइकन कहाँ यूज़ हो रहा है और इसका नाम क्या है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ सर्कल में दिखाई दे रहा है ये क्या है, और लास्ट जो हमें कंप्यूटर की यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है वो कैसा आइकन है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है करना, अब आपको इसे कम्प्लीट करना है। ओके, आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही है, इस लेसन की रीडिंग हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।